कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इस गाइडलाइन के तहत 6 जनवरी 2022 से लेकर 21 जनवरी 2022 तक राज्य सरकार ने नए नियम जारी किए हैं, जिसमें मंदिर समेत तमाम वैसे स्थल जहां पर भीड़ जुटती है उन्हें बंद करने के आदेश दे दिए हैं। राज्य सरकार के इस आदेश के बाद मंदिर प्रशासन की क्या कुछ तैयारी है, पटना के प्रमुख मंदिर महावीर मंदिर में और आचार्य किशोर कुणाल जी हमारे साथ, उनसे हम जानेंगे कि जो नए आदेश जारी की गई है कल से, यानी मंदिर आम लोगों के लिए बंद होगा, उसमें किस तरह से मंदिर को कंट्रोल करना है, किस तरह से पूजा होगी, क्योंकि पटना का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पे जो लोगों की आस्था जुड़ी है बहुत ही सर बड़ी है। सर क्या कुछ रहेगी? हम लोगों ने 15 दिन पहले ही मास्क पहनना मंदिर में अनिवार्य कर दिया था। जब सरकार का आदेश आ गया तो इसका सख्ती से पालन किया जाएगा। जो लोग अपना जैसे रुद्राभिषेक वगैरह की बुकिंग कराए हुए हैं वो कुछ भी नहीं होगा, या तो लोग अपना पैसा ले लें या फिर बाद के किसी डेट पर उनकी उनका कर्मकांड कराया जाएगा। मंदिर बंद रहेगा जैसा सरकारी आदेश है, इसमें कोई ढिलाई नहीं होगी और हम लोग चाहते हैं कि इस बार सख्ती से इसका पालन किया जाए। तो मंदिर की तरफ से तो पहले से मास्क का उपयोग करने का अनिवार्य कर दिया गया था, मगर बहुत सारे ऐसे लोग जो मंदिर में आकर दर्शन करना चाहते हैं या आरती को देखना चाहते थे, वर्चुअल का एक जमाना शुरू हो गया, मंदिर इसके लिए भी जी नहीं, इसके लिए हम लोगों का मंदिर जो है वो जियो लाइव पर है, तो जो लोग जियो लाइव से दर्शन करना चाहेंगे उनके लिए तो मंदिर बराबर खुला रहेगा। हनुमान जी का दर्शन 18 घंटे होते रहेंगे, लेकिन हम लोग कोई और विशेष नहीं कर रहे हैं कि कोई दर्शन करना चाहेंगे तो ऐसी अभी कोई योजना नहीं है, लेकिन यदि कोई सुझाव आता है तो उस पर हम लोग विचार करेंगे। लेकिन इतना निश्चित है कि मंदिर के अंदर कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं आएगा। तो मंदिर में पूजा का जो समय रहता है या आरती का समय रहता है, क्या उसमें भी कुछ बदलाव किया? नहीं, बदलाव इसलिए नहीं हुआ कि हमारे यहाँ 8-10 जो पुजारी हैं वो सब मंदिर में ही रहते हैं, तो मंदिर बंद रहने पर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी आम लोगों के प्रवेश पूरी तरह से अब बंद रहेगा, एकदम बंद रहेगा। उनका कर्मकांड भी जो पहले से बुकिंग किया हुआ है वो सब भी बंद होगा। हमारे साथ किशोर कुणाल जी, उन्होंने मंदिर की व्यवस्था को लेकर बताया, कहा कि जिन लोगों ने पहले से कुछ पूजा आयोजन को लेकर जो यहाँ मंदिर में जो टोकन रसीद कटाया उनको वो पैसा वापस भी ले सकते हैं या आगे अपने तिथि को एक्सटेंड करते हैं। मंदिर के बाहर भी जो लोग हैं उनसे भी हम राय लेंगे कि क्या कुछ कहना मंदिर को बंद करने के लेकर जो प्रशासन ने नए आदेश दिए। राज्य सरकार के नियम के अनुसार मंदिरों को बंद करने का आदेश दिया गया। ये मंदिर 21 जनवरी तक जो है बंद रहेंगे और इसको लेकर मंदिर में जो आए भक्तगण हैं उनसे क्या कुछ उनका क्या कहना है, आपसे भी मैं जान लेता हूँ। मंदिर को बंद करने के आदेश दे दिए गए कोरोना के गाइडलाइन को लेकर, क्या कहेंगे? मंदिर बहुत आस्था लोगों जरूरी है, कोरोना चलते बंद करना जरूरी है। तो आपसे भी जान लेते हैं, मंदिर को भी बंद करने के सरकार ने आदेश दिए हैं, पब्लिक इन आदेशों को कैसे देख रही है, कितना लगता है कि अब जरूरत आ गई है? जरूरत है ही बंद करने का और बंद करना भी चाहिए, नहीं तो कम से कम ट्रिप बाय ट्रिप एक गो आए और टाइम देंगे कि हाँ भाई 1 घंटा में 50 गो देंगे दर्शन और या 2 घंटा में 50 गो देंगे, इस हिसाब से बनाना ही चाहिए सभी जगह, क्योंकि जो रोग हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है कैसे हो रहा है और इसके लिए खतरा जो नहीं चाहिए है। खतरा जो पहले पटना के लोगों ने देखा था फिर वैसे इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कैसे कोई बोल सकता है, तो खतरा आने पर पता चलता है कितना बड़ा खतरा है। चलिए, सरकार ने जो आदेश जारी किए उन तमाम चीज़ों को लेकर जो है लोगों का ये कहना है कि मंदिर को बंद करने की ज़रूरत है। कुछ और भी जो लोग हैं यहाँ पर पूजा कर रहे हैं यहाँ पर आए हुए हैं यहाँ पर, उन लोगों से भी हम और बात कर लेते हैं, कुछ तुम लोग से भी कुछ बात कर लेते हैं। मंदिर को बंद करने के आदेश सरकार ने जारी कर दिए हैं, आप मंदिर आज आप आखिरी दिन मंदिर में आ रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या कितना जरूरी लग रहा है ये आदेश? जरूरी तो जो सरकार निर्णय लेगी उसके साथ चलना होगा, क्योंकि कोरोना को भी देखते हुए कौन अपने जान को जोखिम में डालेगा, जिंदा रहना जरूरी है ना, भगवान तो हमारे साथ है ही। आप भी कुछ कहना चाहेंगे, मंदिर को अब बंद किया जा रहा है, कितना लगता है कि अब जरूरी है इस नियम को पालन करने के लिए आम लोगों को? हाँ, क्योंकि मतलब कोरोना बढ़ रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग तो ज़रूरी है, तो बंद कर देना चाहिए। चलो, बंद करना चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं सहमति जता रहे हैं कि मंदिरों को बंद करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से सोशल डिस्टेंस और जो मास्क का जो उपयोग होता है अगर यहाँ पर लापरवाही होती है तो बड़ी संख्या में संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है और कई राज्यों में ऐसी हालात उत्पन्न हुए हैं जहाँ पर लोगों के तरफ से जो है लापरवाही बरती गई और उसके बाद जो है संक्रमण का खतरा बढ़ा। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि मंदिरों को भी बंद करने की जो है अब जरूरत आ चुकी है, श्रद्धालु अपने घर में जो है पूजा करें या जो भी व्यवस्था है वो उस व्यवस्था के साथ अपना कार्यक्रम करें। मंदिर के तरफ से भी जो है महावीर मंदिर पटना का ये प्रमुख मंदिर है और यहाँ भी जो कही जा सकती है कि मंदिर प्रशासन ने यह सख्ती से नियम लागू करने को लेकर जो है आदेश जारी कर दिए हैं। आचार्य किशोर कुणाल ने कहा कि जिन लोगों ने पूजा कराने के लिए मंदिर में जो पहले से अपनी व्यवस्था
कर रखी है या जो टोकन कटाया है वो या तो पैसा वापस ले लें या आने वाले समय में उस पूजा का तिथि को जो है आगे बढ़ाए। हालांकि इस बंद के दौरान जो सरकार ने आदेश निकाला है उस दिन में आम लोगों के प्रवेश मंदिर में वर्जित रहेंगे। इस समय कैमरा पर्सन आशीष के साथ गौतम गौड़ का न्यूज पटना।